YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे IRCTC का जो शेयर है उसमें 80% का गिरावट, फिर 15% का जंप, आखिर क्या सच्चाई है? मतलब 15% अप देखें या 80% का हम गिरावट देखें, तो इसमें हम बात करेंगे डिटेल में कि आखिर हुआ क्या IRCTC के शेयर में, जिससे हमें पहले गिरावट फिर तेजी देखने मिला। तो यहाँ पर देखिए, ये IRCTC का चार्ट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये स्टॉक्स जो पिछले दिन क्लोजिंग हुआ था इसका, वो था 4116। और यहाँ पर 4116 से डायरेक्ट आज जो स्टॉक्स का यहाँ पर क्लोजिंग है 913 रुपीज। पिछले दिन के 4100 जो था 20 रुपीज, वहां से आज जो स्टॉक्स ओपन हुआ वो काफी नीचे ओपन हुआ, लगभग 800 के आसपास ओपन हुआ और वहां से लगभग 115 पॉइंट से भी ज्यादा का रैली आज देखने मिला। फिर यहाँ पर क्लोजिंग होता है 913 पे। तो यहाँ पर जो मतलब 15% अप था, 80% से ज़्यादा नीचे गैप डाउन ओपन होने के बाद, यहाँ पर जो गैप डाउन हुआ वो स्टॉक के स्प्लिट होने के कारण हुआ। मतलब स्टॉक का जो फेस वैल्यू था उस फेस वैल्यू को 5 में तोड़ दिया गया। पहले फेस वैल्यू 10 था और 5 के रेशियो में ब्रेक किया गया, अब नया फेस वैल्यू 2 हो गया। तो जो आपका शेयर है वो एक शेयर के बदले 5 शेयर आपको आ जाएंगे आने वाले समय में, एक महीने के अंदर। तो यहाँ पर जो आपका शेयर है वो 5 गुना होगा, तो एक शेयर का जो प्राइस है वो 5 टाइम से कम हो गया। तो यहाँ पर 4000 से अधिक प्राइस था तो 800 पे आ गया, मतलब 5 गुना जो है शेयर आपका हो जाएगा। तो 5 से शेयर के प्राइस में डिवाइड कर दीजिए, एक शेयर का प्राइस 5 से डिवाइड करने पे जो आएगा उतना शेयर का प्राइस होगा, लेकिन आपका एक शेयर के बदले 5 शेयर हो गए। तो यहाँ पर आपका जो अमाउंट है, जो प्रॉफिट है या जो लॉस है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स में चेंज होगा और शेयर का प्राइस उसी रेशियो में कम हो जाएगा। अगर हम बात करें IRCTC के जो एनालिसिस है, फंडामेंटल एनालिसिस, तो 66,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और बात करें यहाँ पर डिविडेंड यील्ड का, 0.12% का मात्र डिविडेंड यील्ड है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यहाँ पर मात्र 11% का रिटर्न इक्विटी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16.5% का है। प्रमोटर होल्डिंग 67.4% है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। डेट इक्विटी 0 है और कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है, बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, मतलब फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और बात करें नेट प्रॉफिट, 297 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जबकि रिजर्व 1307 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास। तो कंपनी काफी बेहतरीन है। और बात करें कंपनी जो मुख्य रूप से कैटरिंग सर्विस प्रोवाइड करती है इंडियन रेलवे में, तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है और प्रमोटर्स जो है इसके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। साथ साथ हॉस्पिटलिटी सर्विस भी प्रोवाइड करती है स्टेशन पर। और जो कंपनी है और कई सारे बिजनेस में है, जैसे स्पेशल टूर पैकेज हो गया, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन पब्लिक सिटी हो गया, ग्लोबल रिजर्वेशन सिस्टम हो गया, तो ये सारी कंपनी बिजनेस है। तो मुख्य रूप से क्या है कंपनी का, जो टिकटिंग सर्विस है, जो ई टिकटिंग लगते हैं, हम टिकटिंग पोर्टल से जो रेलगाड़ी का टिकट लेते हैं उससे कंपनी का रेवेन्यू आती है। फिर कंपनी जो है फूड प्रोवाइड करती है ट्रेन में, उससे भी कंपनी का रेवेन्यू आती है। तो दो मेजर सोर्स है और सारे सोर्स जो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं कंपनी के रेवेन्यू में। अब देखिए कंपनी का जो फंडामेंटल है काफी बेहतरीन है, लेकिन चार्ट यहाँ पर कंपनी काफी तेजी से शेयर का प्राइस ऊपर गया और 6,370 रुपीज इसके आसपास का हाई बनाने के बाद काफी जबरदस्त रूप से इसमें गिरावट देखने मिला और लगभग 40% का अपने हाई से इसमें गिरावट देखने मिला। और यहाँ पर मार्केट कैप की बात करें, जो मात्र 66,000 है, ये 100,000 करोड़ से मार्केट कैप अधिक हो चुका था, तो वहां से कंपनी शेयर प्राइस में काफी गिरावट हुआ जिसके कारण मार्केट कैप में गिरावट हुआ। अब यहाँ पर देखिए इन्वेस्टर सेक्शन की बात करें, तो 2019 में कंपनी में 87% का प्रमोटर्स का स्टेक हुआ करता था। और यहाँ प्रमोटर्स में जाएंगे, देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इसमें स्टेक था, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, वहां से कंपनी ने अपना स्टेक सेल किया। और यहाँ पर कंपनी जो IPO के थ्रू सेल किया अपना स्टेक और कंपनी में अभी 67.40% का प्रमोटर का स्टेक है, जो कि काफी अच्छा खासा है। FI इसमें लगातार बुलिश है और लगभग 8% के आसपास का स्टेक है। DIS भी इसमें 8% के आसपास का स्टेक रखता है। पब्लिक का स्टेक काफी कम है, देखिए यहाँ पर पब्लिक का स्टेक भी फिलहाल यहाँ पर तो बढ़ा है,
लगभग 16% हो चुका है, फिर भी काफी कम है क्योंकि स्टॉक्स काफी बेहतरीन है जिसमें पब्लिक स्टेक काफी अच्छा होना चाहिए। कैश फ्लो की बात करें, कंपनी लगातार कैश फ्लो जनरेट की है, लगातार ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव रहा है। बैलेंस शीट की बात करें, कंपनी का जो शेयर कैपिटल है 160 करोड़ का है, रिजर्व जो है 1300 करोड़ का है, बोरोइंग जो है जीरो है। यहाँ पर बोरोइंग की बात करें बिल्कुल जीरो है, तो कोई खास मतलब कंपनी के ऊपर डेट है ही नहीं, तो फंडामेंटली काफी सॉलिड स्टॉक्स है। आप बात करें जो टॉप लाइन ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ 2015 मार्क 1059 करोड़ का, जहां से बढ़कर के कंपनी का जो यहाँ पर सेल्स है 2264 हो चुका था 2020 में, लेकिन पैंडमिक के कारण 2021 में काफी गिरावट देखने मिला सेल्स में, जबकि प्रॉफिट में भी काफी जबरदस्त जम 2016 मात्र 189 करोड़, जो कि बढ़कर के यहाँ पर हो चुका था 2020 में 513 करोड़ का। तो 2020 तक हम ही देखेंगे, 21 को हम यहाँ पर एनालिसिस में नहीं शामिल करेंगे क्योंकि पूरी तरह से लॉकडाउन के कारण, जो कोरोना वायरस के कारण पैंडमिक है उसके कारण जो पूरी तरह से हमारा हर जगह जो रेल सेवाएं वो पूरी तरह से बंद था, जिसके कारण कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में काफी डिक्लाइन देखने मिला। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा कि ये IRCTC का जो शेयर है जब भी आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर मिले तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटली काफी सॉलिड स्टॉक्स है। चाहे फंडामेंटली कितनी भी सॉलिड स्टॉक्स क्यों ना हो, उसमें गिरावट आपको जरूर देखने मिलेगा। और दूसरा जो क्वेश्चन था यहाँ पर कि 80% गिरावट या 15% तेजी किसको देखें, तो 15% तेजी को हम यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि जो प्राइस 80% से डाउन हुआ वो प्राइस डाउन नहीं हुआ, वो स्टॉक स्प्लिट के कारण प्राइस को एडजस्ट किया गया है, मतलब आपका अमाउंट वही रहे, प्रॉफिट वही रहे, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स 5 गुना हो गया, तो आपके पास एक शेयर के बदले 5 शेयर, तो प्राइस को 5 से डिवाइड कर दीजिए, उतना एक शेयर का प्राइस हो गया, आपका अमाउंट एडजस्ट हो गया, प्रॉफिट भी एडजस्ट हो गया। तो यहाँ पर ओवरऑल हमें 15% की तेजी आज देखने मिला IRCTC में, कोई डाउन नहीं है, लेकिन यहाँ पर लिक्विडिटी बढ़ेगा, लिक्विडिटी मतलब नंबर ऑफ शेयर्स काफी बढ़ जाएंगे, 5 गुने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो सकता है आने वाले समय में थोड़ा बहुत और कंसोलिडेशन हमें देखने मिले। देखिए जितना गिरावट हो, जितना गिरावट में स्टॉक्स मिलता है उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगा, आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं गिरावट में। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ऐसे बेहतरीन स्टॉक्स फंडामेंटली जो सॉलिड स्टॉक्स है उन्हें पोर्टफोलियो में गिरावट में जरूर ऐड करते रहिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।